एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में अगर कोई नीच का ग्रह है तो वो कैसा राजयोग कारक हो सकता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी हम देने का प्रयत्न करेंगे। तो आप जो हमारी चर्चा है कि नीच का ग्रह कुंडली में है तो वो कब राजयोग कारक हो जाता है, तो यहाँ पे हमने एक कुंडली दिख रही है आपको, ये कर्क लग्न की कुंडली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरे भाव और बारहवें भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी जो बुध बनता है वो नवम भाव में नीच का हो गया है। तो यहाँ पे जो शास्त्रों में बताया गया है कि कुंडली के जो तीसरा भाव होता है, छठा भाव, आठवें भाव के जो स्वामी होते हैं, ये अगर नीच के हो जाते हैं तो ये एक राजयोग बना देते हैं, तो अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे हमने बताया शास्त्रों के अनुसार कि तीसरे घर का स्वामी या छठे घर का स्वामी या आठवें घर का स्वामी अगर नीच हो जाएगा तो वो राजयोग का जैसा फल देगा। तो यहाँ पे जो बुध ग्रह है वो नवम भाव में बारह जो राशि है वहाँ बुध नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ बुध नीच के होने के कारण और साथ साथ में वो तीसरे घर का जो है उसका स्वामी होने के कारण वो राजयोग का फल देंगे। जब भी दशा अंतर्दशा बुध की चलती है तो उसका जो फल आपको अच्छे प्राप्त होंगे। तो ये एक साधारण सी जानकारी देने का प्रयत्न किया हमने कि जब भी ये तीसरे घर, छठे घर और आठवें भाव के स्वामी अगर कुंडली में नीच के हो जाते हैं तो वो कुंडली में एक अच्छा राजयोग होकर अच्छा फल देंगे। तो आपको ऐसे ही विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए, और साथ साथ में अगर चैनल पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।